आप चिंता मत कीजिए सर, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए टैटू बन जाएगा। अरे मेरे टैटू के चर्चे पूरे फिल्म इंडस्ट्री में है। अरे कई फिल्म स्टार्स के टैटू बनाए हमने, आप लोग फटाफट डिजाइन पसंद कीजिए। हाँ भाई, फ्रेंड्स मैं तो पूरी बॉडी पे टैटू बना लूंगा, समोसा, भेल, मसाला डोसा, वड़ा पाव। ए गोड़ा, ए मेनू कार्ड, लोग होटल में नहीं आए भाई, क्या है, जरा शांत रह। देखिए भाई, हमें सबसे सस्ते और अच्छे टैटू दिखाइए। अरे सर, आप पहले टैटू सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद पैसे तय कर लेंगे। भीड़ अंकल, आप एक काम करो, आप एनाकोंडा का टैटू बना लो। हाँ कौन? अरे एनाकोंडा, दुनिया का सबसे बड़ा सांप। या फिर आप चाइनीज ड्रैगन बना लो। नहीं तो अरे आप ये खोपड़ी बना लो, ये यहाँ पर मस्त, एकदम मस्त लगेगा। टप्पू, हम लोग को नवरात्रि का पवित्र त्योहार मनाना है, किसी को डराना नहीं है। भाई हमें ऐसा टैटू बनाना है जिसे देखकर सामने वाला प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। हाँ। और शादी के लिए फौरन हाँ कर दे। इन शॉर्ट, हमें सस्ते सुंदर लेकिन टिकाऊ टैटू नहीं चाहिए। और हाँ अंकल, हम टप्पू सेना है, हमें ऐसा टैटू बनाना है जिसकी थीम एक हो, ताकि हमारी दोस्ती नजर आए। डोंट वरी बच्चों, हो जाएगा, आइए बैठिए। नहीं अभी यहाँ पे नहीं बैठना है, दरअसल हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी से आए हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। क्या सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, उनको भी टैटू बनवाने हैं, तो आपके साथ अगर आप 7-8 और आर्टिस्ट को लेके आएंगे तो आसानी होगी, है ना? हाँ 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 बिल्कुल लाइएगा, मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए एक दूसरे के टैटू के बारे में। ठीक है, मैं मेरे कलीग्स को लेके आपके सोसाइटी में आ जाऊंगा। मैं और मेरे कलीग्स ऐसे टैटू बनाएंगे, ऐसे टैटू बनाएंगे कि देखने वाले देख के दंग रह जाएंगे। अब तो मुझे भी टैटू बनाने का अनोखा उत्साह आ गया। आज तो मजा पड़ी जैसे गरबा, डांडिया अने टैटू। ओ क्या बात है, क्या बात है, मजा आ जाएगा, मैं मजा आ जाएगा। ओ मां, आज तो बहुत बड़ी बात हो गई। पता है टप्पू के पापा ने बाबूजी को जबरदस्त सरप्राइज दी। हां क्या है, यहां मुंबई से हर साल आशापुरा मां के भक्त माता जी का मढ़ जाते हैं। हां हां साइकिल पर सवार होकर छेक कच्छ तक। हां हां तो वहां वो सभी भक्त आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आए थे। और बापूजी ने उनको हरी झंडी बताई। हां और फिर उन्होंने अपनी यात्रा का आरंभ किया। अम्मा बहुत मजा आ गया। और मां पता है, इस सरप्राइज से खुश होकर बापूजी ने टप्पू के पापा को खानदानी पगड़ी भेंट दी। और मां पता है, बापूजी ने मुझे भी गिफ्ट दी, क्या पता है, लक्ष्मी जी की मूर्ति। मां बापूजी मुझे बहू नहीं बेटी मानते हैं, सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, कैसे परिवार में मेरी शादी हुई है। और क्या, अभी देखो ना, आज तो हमारी सोसाइटी में धमाल होने वाला है। अरे क्या है कि हम लोग आज गरबा के साथ साथ टोटू भी बनाने वाले हैं। अरे टोटू मां, वो ऐसे हाथ में छुंदड़ा नहीं करते, ऐसे वो हरी हरी टपकी होती है, चित्र बनाते हैं। हाँ बराबर, फैशन घूमती रहती है, आ गई पुरानी फैशन। हाँ माँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा टाउटू बनाऊं। हाँ। तुम्हारे ध्यान में कुछ टाउटू का आइडिया है ना तो बताना। क्या क्या बात कर रही थी माँ से? वो हम सब सोसाइटी में टाउटू कराने वाले हैं ना, उसकी बात कर रही थी। टाउटू मतलब? टाउटू गुजराती में छुंदड़ा बोलते हैं ना, वो शरीर पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाते हैं, ऐसा कुछ। अरे वो टाउटू नहीं, उसे टट्टू कहते हैं। ओ सॉरी। लेकिन दया, ये तो मस्त खबर सुनाई तूने। गरबा के साथ साथ टट्टू करवाने का मजा आएगा, देखना ये कच्ची मड़ो ऐसा टट्टू बनवाएगा कि देखते ही सबकी आंखें बड़ी हो जाएगी। और फिर हम दोनों जोड़ी में ऐसा गरबा करेंगे, ऐसा गरबा करेंगे। ए हालो, तू गरबा क्वीन और मैं टट्टू किंग।
क्या टैटू बनाएंगे? सोचना पड़ेगा, कोई ऐसी जबरदस्त चीज बनानी पड़ेगी कि देखते ही लोग कह उठे कि टट्टू हो तो ऐसा हो वरना ना हो ना हो। लेकिन उससे पहले टट्टू बनाने वाला कलाकार भी ढूंढना पड़ेगा ना भाई। अरे चिंता मत कीजिए, टप्पू से ना टट्टू कलाकार ढूंढने ही गई है, सबके लिए अलग अलग टट्टू कलाकार आने वाले हैं। चलो बढ़िया, तो अभी क्या टट्टू बनाना सिर्फ वही सोचना है, ठीक है? हाँ बोलिए बोलिए नट्टू काका। नहीं सेठ जी, नट्टू काका नहीं, बाघा बोल रहा हूँ। हाँ बोल बाघा। सेठ जी आप कहाँ है? घर पे। क्यों? क्या क्यों? नहीं मतलब आज आप दुकान नहीं आ रहे। बापूजी का फोन नहीं आया? किस बारे में? कि मैं दुकान नहीं आ रहा हूँ। नहीं। अच्छा तो नट्टू काका को किया होगा। नहीं नहीं सेठ जी, अगर नट्टू काका को फोन किया होता तो उनका फोन मुझे वडनगर से आया होता। नट्टू काका वडनगर गए? भूल गए सेठ जी, आप ही से तो छुट्टी लेके नट्टू काका वडनगर गए हैं। वो कुल देवी की पूजा करनी है ना। सॉरी मैं भूल गया भाई, वो तो हर साल जाते हैं ना। ठीक है चल मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पहुँचता हूँ दुकान। नहीं सेठ जी, आपको आना है तो आइए, वरना मैं तो दुकान संभाल ही लूंगा। पक्का संभाल लेगा? क्यों सेठ जी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा तो है, पर वो क्या है, आज यहाँ सोसाइटी में गरबा की जबरदस्त तैयारी चल रही है और गरबा के साथ साथ टट्टू भी बनाने वाले हैं ना। टट्टू? वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए काम आते हैं वो वाले टट्टू? अरे वो टट्टू होता है ये टट्टू वो नहीं, वो बदन पे वो चित्र विचित्र वो चित्र बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं छुंदड़ा। अच्छा अच्छा सेठ जी, टैटू। हाँ वही वही। अरे वाह, ये तो बहुत मजे की बात है। हाँ तो उसी की तैयारी के लिए मैं घर पे रुका हूँ भाई। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं सेठ जी। हाँ ठीक है, तो फिर कुछ काम हो तो फोन करना मुझे, ठीक है? हाँ सेठ जी। ओके। टप्पू के पापा बताइए ना, हम क्या टट्टू बनवाए जिससे हमारा वट पड़ जाए। सोचते हैं। अरे बबीता जी, आइए 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 भाई, आइए आइए। बबीता जी आप तो भुलेश्वर गए थे ना शॉपिंग करने? हाँ मैं जाके भी आ गई। ओ फटाफट जाके आ गए। अय्यर भाई क्या रॉकेट में बिठा के लेके गए थे? आइए बबीता जी, अय्यर भाई बैठिए 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 बैठिए, आइए 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 आइए, आजा आजा दे आजा। वाह 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 बबीता जी, खरीदी करके लेके आए कपड़े। दया भाभी बहुत सुंदर सुंदर कपड़े मिले, आई होप सबको पसंद आए। अरे कैसी बात कर रहे बबीता जी, सवाल ही नहीं है। आप खरीदी करके कपड़े लाए और किसी को पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है? नहीं दे? ना, बराबर है, बबीता जी की पसंद तो A1 होती है। बस एक चीज में गोथा खा गए। क्या क्या? नहीं मेरे को लगा तुम कुछ बोलना चाह रहे हो। नहीं नहीं कुछ नहीं। ये लीजिए मीठा जी, ये आपके लिए है। और दया भाभी ये आपका है। मस्त है कलर जी। ये चाचाजी और टप्पू के लिए। थैंक यू। वेलकम वेलकम। जबरदस्त पसंद है आपके बबीता जी, मुझे तो मेरा कपड़ा बहुत पसंद है। जनरल तुम्हारे कपड़े मैंने पसंद किए हैं। आपने? हाँ क्यों नहीं कर सकता। ये बबीता जी, He's just joking जीठा जी, सारे कपड़े मैंने ही सिलेक्ट किए। हाँ वही तो मैं सोचू, अय्यर भाई और काठियावाड़ी कपड़े घर बैठ नहीं रही थी। मतलब? मतलब मानने में ही नहीं आ रहा था, लेकिन मस्त कपड़े नहीं थे। बबीता जी आज महिला मंडल की मीटिंग में हम लोगों ने तय किया है कि रात को गरबा खेलने सब लोग टौटू के साथ आएंगे। टौटू नहीं टट्टू। जलालाल टट्टू भी नहीं टैटू। इट्स ओके, एक्चुअली हमने नोटिस बोर्ड में पढ़ा, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, बहुत मजा आएगा। तो आप क्या बनाने वाले हैं बबीता जी? सॉरी जलालाल ये तुमको नहीं बता सकते। नहीं नहीं अय्यर भाई मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, बबीता जी से पूछ रहा हूँ। जेठालाल कोई भी किसी को भी पूछे, किसी को भी कोई कुछ बताना नहीं चाहिए। जेठा जी एक्चुअली इज राइट,
पहले से कह दिया तो क्या मजा है। आई थिंक इट शुड बी अ सरप्राइज। हां अरे हां टप्पू पापा सरप्राइज से याद आया क्या? आज अपने बापूजी को सरप्राइज दी और बापूजी ने खुश होकर आपको पगड़ी पहनाई और ये बात मैंने माँ को बताई तो माँ भी एकदम खुशम खुश हो गई और मैंने तुरंत आपका नया नाम रख दिया। बहुत मेहनत है अभी बबीता जी ईयर बॉय है जरा कॉफी पॉफी बना के लेके जा 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 देव अभी काफी नहीं चाहिए आपकी मम्मी ने जेठालाल का क्या नाम रखा है वह बताइए। वीर पाखड़ी वाला क्या क्या पाखड़ी वाला वीर पा वीर पाखड़ी वाला अरे कैसा नाम है वीर पाखड़ी वाला मम्मी ने कैसा नाम है वीर पाखड़ी वाला। अय्यर भाई आप इतना हंस क्यों रहे हैं ये तो बहुत सम्मानजनक नाम है वीर पाखड़ी वाला। अरे बबीता चले वो टैटू क्या बनाना है वो भी डिसाइड करना है। हाँ हाँ एक्चुअली ओके वी शुड लीव एक्चुअली बस जाना है बबीता जी। वैसे बबीता जी टप्पू से ना टैटू बनाने वाले कलाकारों को लेकर आती ही होगी आज तो सब लोग ऐसे तैयार होंगे ना कि धूम मच जाएगी और एक दूसरे के टैटू देखकर सब लोग एकदम दंग रह जाएंगे। आज की रात तो रंगीली होगी बहुत सारी मस्ती होगी तो बोलो श्री अम्बे ये टैटू आर्टिस्ट डैनी है। हेलो सर जल्दी बताओ ना कौन सा टैटू बनाना है। टैटू बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा देखिए वैसे मैं लोगों को इंजेक्शन लगाता हूँ लेकिन मुझे सुई से बहुत डर लगता है मैं टैटू नहीं बनवाऊंगा। Come on, Hans, relax. मैंने इनसे बात कर ली है ये सुइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोंट वरी मैं ऐसे टैटू बनाऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि टैटू कब बन गया। मैं इससे टैटू बनाऊंगा ऐसा लगेगा कि मोर पंख घूम रहा हो। सिंपल ये देखिए इससे लाइए आपका हाथ दीजिए। हाँ कम ऑन हंस देखिए सो सिंपल शुरू तो करने दो। अरे हाँ संभालो अरे बहुत अच्छा देखो तुम्हारा टैटू बनना बाकी है मेरा टैटू बनना बाकी है हमें तैयार भी तो होना है देर हो जाएगी। लेकिन मुझे बहुत खुदकुरी हो रही है। अच्छा ठीक है काम करते हैं मैं टैटू बना लेती हूँ तुम देख लेना किस तरह से कंट्रोल करते हैं ओके ओके सिंपल सिंपल अभी पता चलेगा। रिलैक्स ओके आप मेरे लिए एक मस्त टैटू बनाइए। हंस वॉच दिस कुछ नहीं होता। अरे रुकिए आप पता चल अरे 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 सॉरी 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 आप हंसेगी तो टैटू कैसे बनेगा। रोशन वक्त बहुत कम है तुमने डिसाइड किया कि तुम टैटू कौन सा बनाने वाले हो और हमें तैयार भी होना है। ओए सोनिए ओ मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ मैंने समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा टैटू बनवाऊं यार और टैटू जो है ना वो एकदम अनोखा डिफरेंट शानदार लाजवाब होना चाहिए। हाय हाय रोशन तू चार चार टैटू बनाएगा? ओए तेरे इश्क में तो चार क्या 40 टैटू बनवा दूंगा। रोशन एक काम कर तू हाथ पे ये लिख दे मैं शेर दिल सरदार। और सुनिए तू भी कमाल करती है यार वो जितने भी सरदार जी है ना वो शेर दिल ही होते हैं वो इसको लिखवाने की जरूरत है ये तो ऑलरेडी सच है यार। और सुनिए एक काम करता हूँ यहाँ इस हाथ पे ना मैं अपनी गड्डी का टैटू बनवा देता हूँ और यहाँ लिखवा देता हूँ पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला और तू एक काम कर अपने हाथ पे लस्सी का गिलास बनवा ले और लस्सी का गिलास भरा नहीं होना चाहिए खाली होना चाहिए क्या है ना जब तू गरबा खेलेगी ना तो लस्सी डूल जाएगी ना। कैसी बोलेच तू अरे बड़ी बोली है तू सुनिए अब मजाक कर रहा हूँ ताकि नए नए आइडियाज आए। देखिए मैंने सोच लिया है कि मुझे कैसा टैटू बनवाना है मेरा टैटू सबसे बढ़िया होना चाहिए वे ऐसा टैटू बनाइए जिसे देखकर कुंवारी लड़कियां मेरे पास आकर मुझसे कहे पत्रकार पोपटलाल जी प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। श्योर डोंट माइंड पर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जी मेरी शादी हो गई है और दो बच्चे भी हैं। देखिए हम यहाँ वहाँ की बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है
हम सिर्फ टैटू क्या बनाना है इस पर ध्यान देते। बट सर, यहाँ वहाँ की बातें तो आप कर रहे हैं, मैं नहीं। सॉरी जी, कोई बात नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा टैटू बनवाना है। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे ऐसा जबरदस्त टैटू बनाइए। आजकल लेटेस्ट टैटू है 3D टैटू, आप 3D टैटू बना दीजिए। आइए तुम मेरे लिए टैटू के डिजाइन चूज करो। मैं तो चूज करूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए टैटू का डिजाइन चूज करो। मैं भी चूज कर लूंगी तुम्हारे लिए, पर तुम मेरे लिए पहले चूज करो। बबीता, लेट इज द फर्स्ट, पहले तुम चूज करो। अरे आप एक दूसरे को ऐसे ही पूछते रहोगे तो टैटू कब बनेगा? I'm sorry, yes. हमारा टैटू एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए। Yes, made for each other. Hey, made for each other से एक आइडिया है। माधवी, किसी ने सोचा नहीं हो ना ऐसा टैटू बनाना है हमें। अभी मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेयर सेक्रेटरी हूँ, तो मेरा टैटू भी ऐसे एकमेव होना चाहिए ना, और हमारे जैसा टैटू किसी का नहीं होना चाहिए, तो क्या बनवा सकता हूँ मैं? आप गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो तो पूरी की पूरी गोकुलधाम सोसाइटी बनाएंगे तो? पूरी सोसाइटी? हाँ। टैटू? हाँ। अरे क्या बरियस ना, चार चार विंग, ABCD विंग, शिवाय गार्डन, मंदिर, अरे कहाँ कहाँ बनवाऊंगा, पूरी बॉडी पे बनाना पड़ेगा टैटू। नहीं नहीं माधवी, हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। एक मिनट बरो, एक आइडिया है। क्या? ओहो, मतलब ये टैटू बनाएंगे ना तो आपका सीना ऐसा गर्व से फूल जाएगा, मराठी माणूस का नाम ऊंचा हो जाएगा, नहीं? ओहो हो हो, क्या आइडिया दिया है माधवी। सब देखते रह जाएंगे। हाँ। चलिए शुरू करते हैं टैटू बनाना। अरे बात आ रहा, आपने टैटू बनाना शुरू भी कर दिया। देखो तो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं दिखा नहीं सकता, सरप्राइज है। सरप्राइज मुझसे? हाँ। बीवी हूँ आपकी। टैटू के मामले में कोई पत्नी वत्नी नहीं भाई, सरप्राइज। मेरे कहने का मतलब है सारी दुनिया से सरप्राइज, और दुनिया वाले जब इसे देखेंगे उन्हें मजा आ जाएगा। वैसे तुम्हारे लिए एक सलाह है मेरे पास, तुम करेले का टैटू बनवाओ, अंजलि सूट करेगा तुम पे। मिस्टर तारक मेहता करेला भी अच्छा ही होता है। अच्छा? पर आप चिंता मत कीजिए, और मैंने सोच लिया है कि मैं कौन सा टैटू बनवाने वाली हूँ। आप सोचती भी हैं? हाँ हाँ। देखना मिस्टर तारक मेहता, मेरा टैटू ना आपको और पूरी सोसाइटी को इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि सब देखते रह जाएंगे। भाई साहब, मुझे कोई ऐसा टैटू बनवाना है जिससे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में तहलका मच जाए, देखते ही लोग चक्कर खा के गिर जाए। अगर ऐसी बात है तो आप अपनी बॉडी पर ऐसा टैटू बनवाइए। क्या ना, मैं आपके मुंह के ऊपर शेर का मुंह बनाऊंगा, और पूरे बॉडी से होते होते पाँव तक आते आते इसकी पूंछ खत्म हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा टैटू है। टप्पू के पापा, इतना बड़ा टैटू आप सबको दिखाएंगे कैसे? हाँ वही, नहीं नहीं भाई, वो मुझे मेरे जितना टैटू नहीं चाहिए, छोटा सा लेकिन कुछ मजेदार उसमें होता कुछ दिखाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं और देखता हूँ। टप्पू के पापा, आप ऐसा टैटू बनाइए जिससे आपको फायदा भी हो। फायदा मतलब? मतलब आप आपके दो गाल और एक कपड़ का उपयोग कीजिए। एक कपड़? कपड़ सबको एक ही होता है। हैं? देखिए, आप टैटू की शुरुआत कपड़ से कीजिए। नवरात्रि और दशहरा के अवसर पर बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी कीजिए, और टीवी और फ्रिज में भारी छूट पाइए। ए हालो भाई, गोकुलधाम में गरबे की जबरदस्त तैयारियां चल, बड़ी अनोखी जगह है गोकुलधाम, तो सोचिए यहाँ गरबा भी कितना अनोखा होगा, और कितने अनोखे होंगे टैटू जो गोकुलधाम के निवासी बनाने वाले हैं। सोचिए किस किस तरह के टैटू बनेंगे भाई, हम लोग क्या टैटू बनाएंगे, क्या टैटू बनाएंगे, भिड़े, पोपटलाल, डॉक्टर हाथी, मैं, अंजलि। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार हमें ये देखने का होगा कि भाई दया भाभी क्या टैटू बनाती है। और वैसे आप जानते हैं कि दया भाभी तो गरबा क्वीन है, जैसे पंछी आसमान में उड़ता है, मछली नदी में तैरती है, ठीक वैसे दया भाभी गरबा खेलती है। अगर सिर्फ एक शब्द में कह दूं तो दया भाभी गरबा की विद्यापीठ है। तो अब इस गरबा क्वीन का गरबा पर हम सबके टैटू देखने के लिए आप तैयार हो जाइए, और गरबे की धूल तो उड़ेगी और साथ में होंगे हंसी उठा के। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.